हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू कुकिंग व्लॉग। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू पेटीज, बिल्कुल मार्केट जैसी जो बाज़ार में मिलती है, बेकरी जैसी, बिल्कुल उसी तरीके से हम पेटीज बनाकर रेडी करेंगे। बहुत आसान और ईजी तरीके से पेटीज बनाना बताएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने आलू पेटीज। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। सो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं अपना आलू पेटीज। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैंने आलू लिया है। आलू देखिए फ्रेंड्स, कच्चे नहीं है, ये मैंने बॉईल कर लिया है वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, इसलिए आलू मैंने बॉईल लिए हैं। ये एक प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, साथ में हरी मिर्ची कट की है, 3 से 4 हरी मिर्ची हैं, और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया कट किया है। चलिए, आलू को हमें मैश करना है। और इधर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में अच्छे से सरसों का ऑयल ऐड कर दिया। आप जिस भी तरीके का ऑयल खाते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें तेल ऐड कर लीजिए। चलिए, गैस को ऑन कर देते हैं और आलू को मैश कर लेते हैं, तब तक हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देते हैं अपना जीरा। जीरा ऐड करने के बाद में जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं प्याज और हरी मिर्ची जो हमने कट करके रखी हुई थी। ये दोनों चीज़ें भी हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है। इनको फ्राई करते हुए फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका हमें सिर्फ हल्का सा कलर देना है, बिल्कुल भी हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है। तो थोड़ा सा फ्राई करना है इन्हें, वरना ये इनका टेस्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा। चलिए, प्याज को होने देते हैं। देखिए, आलू को अच्छे से मैं मैश कर चुकी हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को सिर्फ हमें इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हमने आलू, ये चिपक गए, थोड़ा मैंने ऐड कर देती हूँ उसके अंदर, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी अपनी कसूरी मेथी, आप अगर नहीं चाहते तो आप ना ऐड करें। थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसमें अपना, ये देखिए, कुटा हुआ धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसमें, लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐड करेंगे अब इसमें बारीक धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें अपना हल्दी पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। चलिए, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब आप इसमें लास्ट में ऐड करेंगे नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा, कम ज़्यादा जैसा भी नमक आप खाते हैं उसी हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये धनिया पाउडर, सॉरी कटा हुआ धनिया, ये हरा धनिया है, ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए, देखिए हमारी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है। गैस को यहीं बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक कटोरी के करीब मैदा लिए, आप देख सकते हैं इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा, बाकी हमें इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है नमक के अलावा। और अब इसमें हम मोइन के लिए रिफाइंड ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी का मोइन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रिफाइंड ही डालूँगी। ये देखिए, लगभग हमें इस तरीके से 4 बड़े चम्मच भरकर इसमें मोइन डालना है। मोइन डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में अच्छे से इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा। इसका हमें एक सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करना है।
चलिए हम इसको धीरे धीरे पानी डालकर गूंदना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हमें डो लगाकर रेडी करना है। बिल्कुल सॉफ्ट डो मैंने लगाकर रेडी कर लिया है। ये मैंने एक कटोरी के करीब देखिए फ्रेंड्स पानी लिया था, इसमें से इतना पानी मैं इसमें यूज़ कर चुकी हूँ। ये देखिए आधा कटोरी के करीब पानी मेरा इसमें यूज़ हुआ है। और ये देखिए डो बिल्कुल इसी तरीके से हमें डो चाहिएगा। चलिए इसको रेस्ट पर छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 बड़े चम्मच के करीब मैदा लिया है। आप लोग इसी तरीके से मैदा लीजिएगा। हमें मैदा के अंदर ये देखिए देसी घी है फ्रेंड्स, हमें ये ऐड करना है। 2 ही चम्मच में इसमें देसी घी ऐड करने वाली हूँ। ये देखिएगा 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें देसी घी ऐड किया। हमें इसको इतना फेंटना है, इसमें अच्छे से मिक्स करके हमें इसका बिल्कुल मक्खन बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बना लेना है। ये देखिए फेंटते फेंटते जब हम इसको बनाएंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए अब बाकी आपको दिखाते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया और उनको अच्छे से हमें गर्म करना है। तो ये हमारी मैदा है, ये देख सकते हैं आप। इसमें से मैं छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ूँगी, लगभग 4 से 5 लोइयाँ मैं इसमें से आटे में से तोड़ के उनकी रोटी बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 7 लोइयाँ बनाकर इस तरीके से रेडी कर ली हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इन सारियों को मतलब जितनी भी हमने ये लोइयाँ बनाकर रखी हैं इनकी हमें सबकी रोटी बनानी है। हमें 7 रोटियाँ बनाकर रेडी करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरीके से बिल्कुल सिंपली हमें इसकी रोटियां बनानी है। चलिए बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से रोटी बनाई है मैंने। रोटी के ऊपर ये जो हमने अपना बटर बनाकर रखा हुआ था, ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मेरी पहली रोटी है और मैंने ये देखिए फ्रेंड्स सारी रोटियाँ इस तरीके से मैंने बनाकर रख ली हैं। अब हमें करना क्या है, इस रोटी के हम ऊपर हम अपनी ये दूसरी वाली रोटी रखनी है और उसके ऊपर भी हमें इसी तरीके से बटर लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख दिए, उसके ऊपर भी हमें इसी तरीके से इसके चारों तरफ अच्छे से हमें इसको बटर को प्रेस करना है। आप हाथों से करिएगा, ये हाथों से ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना ये नहीं लगेगा। चलिए इसको इसके ऊपर अच्छे से फैला लेते हैं। फिर इसके ऊपर हमें अपनी तीसरी लेयर रखनी है। इसी तरीके से हमें अपनी बाकी की सारी लेयर भी फिक्स करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमने इस तरीके से लेयर बना ली। अब हमें क्या करना है, मैंने इसके ऊपर भी अच्छे से अपना ये बटर लगा दिया। अब इसको क्या करना है हमें इस तरीके से देखिए इस तरीके से गोल गोल करके फोल्ड करना है। चलिए मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने उसको बीच में से काट कर इस तरीके से इसकी लोई बना लिया। इस पर सूखा आटा डिप करने के बाद अब हमें इसको अच्छे से बेलना है। चलिए इसको बेल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसकी रोटी बना ली। अब हमें क्या करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से हमें इसके कोने कट करने हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें निकालना है। हमें इसके चारों कोने इसी तरीके से कट कर निकालने हैं। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, चकोर हमने इसको कट कर लिया। हमें इसके चारों कोनों पर अच्छे से पानी लगाना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इसके चारों कोनों पर पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद में ये जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था मसाले को इसमें हमें भरना है बीच में इसके। ये देखिए अच्छे से एकदम हमें इसमें मसाला भरना है। देखिए और अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था इसके कोनों पे हमें अच्छे से पानी लगा लेना। अब हम एक कोना उठाएंगे, एक कोना उठाने के बाद में हमें इस तरीके से इसको यहाँ पे मिला देना और ये कोने हमें इस तरीके से प्रेस करते हुए सील कर देने हैं। ये देखिए, चलिए हम बाकी की भी इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी पेटी जिस तरीके से हमने बनाकर रेडी कर ली है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी दो पेटीज हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। इनको अच्छे से सिकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ऑयल के अंदर छोड़ना है। देखिए ये अपनी दो पेटीज मैंने इसके अंदर छोड़ दिया। अच्छे से इनको हमें लो मीडियम फ्लेम फ्राई करना है। ये देखिए दोनों ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए कितने बढ़िया पेटीज हमारी बनकर रेडी हुई, बिल्कुल मार्केट जैसी, नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए लग रही है ना दिखने में कितनी बढ़िया लग रही हैं। ये देखिए, चलिए इनको पकने देते हैं अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी पेटीज बनकर रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एकदम मार्केट जैसी लेयर बनी है हमारी पेटीज में, एकदम खस्ता और करारी पेटीज बनकर हमारी रेडी हुई है। देखिए देखिए एकदम करारी पेटीज बनकर रेडी हुई फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग इस रेसिपी को